आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग के आर प्रोसेस के कुछ चैलेंजेस देखेंगे कि अगर हम आर साइकिल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर तो उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने हो सकते हैं ठीक है तो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्या वो होता है क्या क्या स्टेप्स होते हैं है ना उसके एडवांटेजेस भी हमने देखे कि क्या बेनिफिट्स हैं अब इसको देखेंगे हम चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चैलेंजेस अगर आप किस, किसी इंडस्ट्री को इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसे कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिसको हम एज ए चैलेंज कंसिडर करेंगे और फिर उनके ऊपर वर्क करना होगा ठीक है तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैं कुछ चैलेंजेस नोट डाउन किया हुआ हम वन बाय वन उनको समझेंगे और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो पहला टॉपिक पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है कोडिंग एक्यूरेसी एंड कम्प्लाइंस अब आप लोगों को पता है कि हम ये पूरा प्रोसेस एक कोडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है है ना कोई भी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन होता है कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती है उनको एक प्रॉपर कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है किसी स्टैंडर्ड्स के साथ में और उन स्टैंडर्ड्स के बेस पे जो फाइनल कोर्स आते हैं वो आगे प्रोसेस होके क्लेम सबमिशन तक प्रोसीड करते हैं ठीक है थेके? तो इस नेम से या इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोडिंग एक्यूरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फैक्टर के लिए है ना क्योंकि उसी पर सारे आपके जो फाइनेंशियल अपकमिंग अचीवमेंट है वो डिपेंड करेंगे राइट right? अगर आपका कोडिंग ही करेक्ट नहीं है तो फिर आपका क्लेम सबमिशन में डिले होगा या नेगलेक्ट भी हो सकता है तो उस केस में आपको जो भी क्लेम है वो सबमिशन में नहीं होगा है ना रीएम्बर्समेंट का प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो कोडिंग एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आता है कम्प्लाइंस कि आप जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो कम्प्लाइंस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी कोड किया और वो कम्पलाइंस से मैच नहीं कर रहा तो वो फिर भी एक इशू होता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं इस पॉइंट के लिए तो यहाँ पे है इंश्योरिंग एक्यूरेट कोडिंग ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स एंड डायग्नोसिस इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर डायग्नोसिसंबर्समेंट जो अभी हमने बात करी कि रि अगर आपको प्रॉपर करना है तो आपको ये मेक श्योर sure करना होगा कि आपकी जो कोडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है ठीक है फिर आता दूसरा पॉइंट स्टेइंग कंप्लाइंट चेंजिंग कोडिंग रेगुलेशन सच एज आईसीडी अपडेट कैन बी चैलेंजिंग ठीक है तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि आपका जो कोडिंग रेगुलेशंस हैं वो आपको अपडेटेड रखने होंगे है ना उसी के बेसिस पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपके कोर्स करने हैं तो इसमें भी आपको कंप्लाइंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट चेंजिंग कोडिंग रेगुलेशन है वो फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है फिर हमारे पास पॉइंट आता है स्टाफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ये हर फील्ड का किसी भी टॉपिक को अगर आप देखते हो किसी भी फील्ड में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए जो उसको एग्जीक्यूट कर पाए और उस टीम के प्रॉपर uh, ट्रेनिंग होनी चाहिए उनको प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए तभी वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर एसेंशियल फॉर कोडिंग स्टाफ टू स्टे अपडेटेड ऑन कोडिंग गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन तभी वो लोग क्या कर पाएंगे गाइडलाइंस और Uh, जो भी रेगुलेशंस हैं उनको उनको अपडेटेड रहेंगे उसके लिए ठीक है फिर आता है हाई टर्नओवर रेट्स कैन कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूट टू अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस कोडर्स ठीक है तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर टर्नओवर रेट्स यहाँ पे लिखा है हायर हाई टर्नओवर रेट्स कैन कंट्रीब्यूट टू अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस कोडर्स ठीक है तो ओवरऑल क्या पॉइंट देखा हमने ओवरऑल देखा कि कैसे स्टाफ ट्रेनिंग और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है अदरवाइज ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है पहला पॉइंट हमने देखा कि कोडिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए और कम्प्लाइंस स्टैंडर्ड्स जो भी रेगुलेशन वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए अदरवाइज वो भी आपके लिए चैलेंज कंसिडर हो सकता है फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अब आप लोगों को पता है कि अगर हम कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर की नीड है है ना और ऐसे बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज भी हैं जो आपको शियली है आपके लिए उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो अगर वो टेक्नोलॉजी भी किसी किसी केस में आपके लिए चैलेंज बन सकता है अगर आप इजीली उस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट है कि इम्प्लीमेंटिंग एंड इंटीग्रेटिंग कोडिंग सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ई कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली तो पहला तो ये कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है है ना और कॉम्प्लेक्स अगर नहीं भी है सपोज किसी टीम टेक्नोलॉजी तो भी भी की नीड तो लेनी होगी क्योंकि उसी की बेसिस पे आपको जो प्रोसेस है वो फास्ट इम्प्लीमेंट हो पाएगा है ना जितना जल्दी प्रोसेस फास्ट होगा उतना ही जल्दी रि प्रोसेस इनिशिएट होता है तो आपके लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना भी नीडफुल है और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता या फिर उसके अगर हम कॉस्ट फैक्टर देखें तो उसको एज ए चैलेंज भी कंसिडर किया जाएगा फिर आता है कंपेटिबिलिटी इशू बिटवीन डिफरेंट सिस्टम मे आइज अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ आर्थ इन प्रोसेस तो ये कंपेटिबिलिटी इशूज अगर आप लोगों ने कुछ टूल्स यूज किए हैं कोडिंग के तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि अगर कोई एक टूल दूसरे टूल से कम्पेटल नहीं है, है ना आफ्टरऑल हम क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही कर रहे हैं

क्योंकि अगर आपके प्रोसेस में बार 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 डिनाइल आ रहा है है ना या रिजेक्शन आ रहे हैं तो उस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी अदरवाइज आपको इस पे ध्यान देना होगा और आपको एक्टिवली इस चीज को मैनेज करना होगा और कम से कम जो क्लेम डिनाइल्स हैं उनको ट्राई करना होगा कि कम से कम क्लेम डिनाइल करो आपके रेवेन्यू प्रोसेस के दौरान अदरवाइज वो आपके रिएमबर्समेंट में प्रोसेस में डिले करेगा

इश्यू डिनाइल इशू हुआ है बट एक्चुअल में जब आप उसका रूट कॉज फाइंड करने जाओगे कि क्यों वो प्रॉब्लम हुआ या क्यों वो मिस्टेक हुआ तो उस टाइम में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा फेस uh, हो सकता है इश्यू ठीक है तो वही पॉइंट यहाँ पे है आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग रूट कॉजेज ऑफ डिनाइल कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्ड अफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेयर्स ठीक है फिर आता है टाइमली क्लेम सबमिशन डिले इन क्लेम सबमिशन कैन लीड टू डिले रि एंड एंड इम्पैक्ट कैश फ्लो ठीक है तो डिले होगा अगर claim submission में, तो वो आपके बाकी चीजों को इफेक्ट करेगा तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि डिलेज इन क्लेम सबमिशन कैन लीड टू डिले रीएमबर्समेंट एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑफ कैश फ्लो क्लेम भी प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर वो पेमेंट रीएम्बर्समेंट यह सब चीज इफेक्ट कर देगा तो ये भी एक चैलेंज है स्ट्रीम द कोडिंग एंड बिलिंग प्रोसेस टू इंश्योर टाइमली सम्बिशन इज अ कॉन्स्टेंट चैलेंज है ना तो आपको एक टाइमली मैनर में इन चीज़ों को करना होता है इंप्लीमेंट अगर वो टाइमली मैनर में नहीं होता एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है एक स्मूथ प्रोसेस नहीं है तो इसको भी एज ए कंसिडर होगा ये भी हम एज ए चैलेंज कंसिडर करेंगे फिर आया आता है पेयर रूल्स एंड वेरिएबिलिटी

वो और वो जो वेरिएबिलिटी है उस चीज़ पे तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज बन के आ सकता है RCM में. है कि उनकी पॉलिसीज और उनका जो रि रेट है वो भी वेरी कर सकता है क्लाइंट टू क्लाइंट तो उस केस में भी ये आपके लिए एज ए चैलेंज कंसिडर हो सकता है फिर आता है मेन पॉइंट ऑडिट रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर ऑडिट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल आर नेसेसरी टू इंश्योर कोडिंग एक्यूरेसी एंड कम्प्लायंस है ना तो आपको कोडिंग को आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए कि क्यों मीन्स अगर आप प्रॉपर ऑडिट्स नहीं होगी वो चाहे इंटरनल ऑडिट हो एक्सटर्नल ऑडिट हो तो फिर आप कोडिंग की एक्यूरेसी और कम्पलायंस को इन्श्योर नहीं कर सकते और हमने इससे पहले देखा था कि कोडिंग एक्यूरेसी और कम्प्लायंस भी एक फैक्टर है है ना तो ये अगर ऑडिटिंग नहीं हो रही है तो उसको भी वो इफेक्ट करेगा और दोनों हमारे लिए एज ए चैलेंज बन के आएंगे तो रेगुलर ऑडिट रिक्वायर्ड है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑडिट रिस्क रेगुलर ऑडिट ठीक है ये इसका सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेकेंड है प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू ऑडिट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव ठीक है तो ये भी है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो uh, यहाँ पे लिखा प्रिपेयरिंग फॉर आर रिस्पॉन्डिंग टू ऑडिट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इन इंटेंसिव तो ओवरऑल ये भी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है और वो आपके लिए एज ए चैलेंज कंसीडर हो सकता है फिर हमारे पास पॉइंट आता है रेवेन्यू लीकेज आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग एरियाज ऑफ रेवेन्यू लीकेज सच एज मिस्ड चार्जेस और अंडर इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू अगर आपका रेवेन्यू लीकेज है कहीं पे तो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा उसको एड्रेस करना होगा अदरवाइज वो भी एक इशू है और कौन से कौन से हो सकते हैं जैसे मिस uh, चार्जेस हो सकते हैं है ना अंडर कोडिंग कुछ हो गया या इस इस तरह के मतलब कुछ भी इशू है जहाँ 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 आपको लगता है कि आपका जो रेवेन्यू है वो लीक हो रहा है वो डिनाइल्स uh, भी हो सकते हैं है ना तो उस केस में आप क्या करोगे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि उसका रीज़न क्या है उसको रिजॉल्व uh, आउट करोगे डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू प्लग दिस लीक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉम्पलायंस इज अ कॉन्स्टेंट चैलेंज अब हमें क्या करना है एक ऐसे स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है जो क्या करें इन लीग पे वर्क करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद कॉम्पलायंस इज अदाउट कॉम्पलायंस के कॉम्प्रोमाइज करे अगर हम इस चीज को डेवलप करना है कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो इसको फिक्स आउट करें और हमारे जो कम्पलायंस है उसको भी इफेक्ट नहीं करें तो वो भी एक चैलेंज बन सकता है ठीक है फिर रहता है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन कोडिंग बिलिंग एंड अदर डिपार्टमेंट इज एसेंशियल फॉर सीमलेस प्रोसेस अब आपको पता है आर सी एम प्रोसेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ आकर वर्क कर रहे हैं अगर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन इशू है तो आफ्टरऑल वो आप लोगों को इफेक्ट करेगा और कम्युनिकेशन की वजह से आपके जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे ठीक है और ये किसी भी फील्ड का है आप किसी भी डोमेन में हो बैंकिंग डोमेन में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किसी भी डोमेन में हो अगर आपका आपके डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है या दो डिपार्टमेंट का आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो वो एक साथ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए अगर नहीं है तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज है मिसकम्यूनिकेशन और लैक ऑफ कोलेबरे है ना अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सपोज आप बिलिंग और कोडिंग टीम का अगर हम बात करें तो कोडिंग टीम ने कुछ मिस इनफॉर्मेशन भेज दिया उनको गलत कोड भेज दिया है ना और उन्होंने फिर उसको कोलेबरेट करके उसको डिस्कस भी नहीं किया कोडिंग टीम से और उन्होंने आगे फर्दर कर दिया तो वो क्या होगा फिर आगे जाके री एम्बर्समेंट रिटर्न होगा है ना उसमें डिले हो जाएगा डिनाइल हो सकता है रिजेक्शन हो सकता है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हुई थी कोडर से बिलर के पास में या वो किसी भी डिपार्टमेंट ये जस्ट एक एग्जाम्पल है किसी भी डिपार्टमेंट में आर के जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें अगर कहीं भी मिसकम्युनिकेशन ट्रेवल होती है तो वो आफ्टर लास्ट में आपको इशू करेगा है ना और कोलेब्रेशन भी नीडेड है अगर कोलेब्रेशन नहीं है दो डिपार्टमेंट आपस में कोलाबरेट नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम बनेगा एक चैलेंज बनेगा ठीक है फिर आता है चेंजेस इन हेल्थ केयर पॉलिसीज़ अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉलिसीज तो चेंज होगी और वो होना भी चाहिए टाइम टू टाइम अगर कुछ उसमें ड्रॉबैक्स देखते हैं तो उसको अपडेट किया जाता है बट उनको समझना उस टाइम पे भी एक इशू है जैसे यहाँ पे लिखा है रेपिड चेंजेस इन हेल्थ केयर पॉलिसीज रेगुलेशन एंड री मॉडल कैन इम्पेक्ट द रेवेन्यू साइकिल ठीक है तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो हमारा हेल्थ केयर पॉलिसीज है वो प्रॉपर हो और हम उससे अपडेटेड हों तभी हम उसको हेल्प कर पाएंगे प्रोसेस में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फिर आता है अडेप्टिंग टू द चेंजेस एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद न्यू रिक्वायरमेंट्स इज ऑन गोइंग ठीक है तो ये भी एक फैक्टर है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है हम आ, ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है तो ओवरऑल जो भी हेल्थ केयर के अपडेट्स हो रहे हैं जो भी चैलेंजेस जो भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं वो हमें अपडेटेड रहना चाहिए एक हमने ऊपर भी पॉइंट कवर किया था उसमें यही पॉइंट डिस्कस था कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा कि कैसे हम आ, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आर में हो सकते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में हो सकते हैं और उनको कहीं कही ना कहीं आपको ये चैलेंज समझते टाइम ही पता चल गया होगा कि क्या क्या फैक्टर्स हम इम्प्लीमेंट करने जैसे ऑडिट है तो एक टाइमली ऑडिट होनी चाहिए तब वो वर्क रहेगा वर्क करेगा राइट ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ की प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए तो ये इनको एज ए चैलेंज भी कंसिडर करोगे आप और एज ए रिक्वायरमेंट भी है ना कि रिक्वायरमेंट क्या है या क्यों हमें करना होता है उस वो भी एक तरह से यही आंसर है तो हमने दोनों चीज कर ली पहले वाले सेशन में हमने उस अब हमने कि क्या -क्या हो सकते हैं अगर कोई अब एक पॉइंट और आर से इस सेशन में कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एक बार पता होना चाहिए कि अभी तक आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स पढ़े है क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो आपको अगर उसमें कोई भी चैलेंजेस है तो मे बी आप लोग शायद इसको आंसर करने में प्रॉब्लम फेस करोगे तो हम क्या करेंगे हर सेशन के एंड में एक यहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे आप लोगों ने जो सीरीज फॉलो की है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने कब डिस्कस किया था तो आप उसका एक शॉर्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ठीक है आंसर को ज़्यादा डिटेल्ड बनाने की जरूरत नहीं है जस्ट आप एक वन लाइनर और टू लाइनर आंसर लिख सकते हो जिससे एक तो आप अपने कम्युनिटी की भी हेल्प कर रहे हो कमेंट सेक्शन में अगर आंसर्स होंगे और किसी को अगर वो टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा सेकंड वो आपकी भी एक प्रपरेशन uh, करवाएगा इंटरव्यूज के लिए क्योंकि एट द एंड आप लोगों को भी या तो किसी सी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है या किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो उस केस में ये क्वेश्चन अगर आप टाइम टू टाइम हर सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको भी एक हैबिट बन जाएगा क्वेश्चन को समझने का और उनको रिप्लाई करने का ठीक है और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे हम आ, हर बार ये क्वेश्चन पुट करेंगे और मे बी वीकेंड और मंथ एंड में जो भी सबसे फास्ट रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में मिले होंगे उन टॉप थ्री यूजर्स का नेम हम यहाँ पे शो करेंगे आने वाले सेशन के अंदर ठीक है और उनके कमेंट्स को पिन करके बाकी लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम या सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चीज को थोड़ा सा प्रॉपरली टेक केयर करें और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम पुट कर रहे हैं उसका एक आंसर आप लिखें इससे आपको हैबिट होगी प्रॉपर आंसर करने की भी और आप बाकियों की भी हेल्प करेंगे ठीक है तो या इस सेशन के लिए इतना ही था और आज का क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विस ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और क्वेश्चंस वही होंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना जस्ट आपको रिकॉल करना है जो भी आपने लर्न किया है और या फिर अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर्च uh, कर सकते हो कि ये वाला टॉपिक हमने कब कवर किया था और उसको आप गो थ्रू करके और फिर उसका आंसर कर सकते हैं ठीक है तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप सभी इस, uh, इसका आंसर वहाँ पे पुट करेंगे और जो टॉप थ्री होंगे जो सबसे पहले कमेंट्स आएंगे उनको फिर हम पिन करके मंथ एंड में उनका नेम भी यहाँ पे शोकेस करेंगे ठीक है तो आई होप ये आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ